बांधुकण महाभारत ग्रंथरे मनुष्य को भोजन करिबा समय रे किछि बहुत जरूरी नियम विषय रे कहा जाय छै। जदि कोनोसे मनुष्य एही नियमर पालन करी भोजन करिबा त से आरोग्य सहित सुख समृद्धि वैभवर प्राप्त करिथाय। शास्त्र रे कहा जायतबा एही नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण रे मध्य परिपूर्ण। एही प्रकार भोजन करिबा द्वारा मनुष्य सबु देवी देवतांकर आशीर्वाद प्राप्त करिथाय। आपण माने भी भोजन करिबा समय रे एही नियम को अवश्य पालन करंतु। आसंतु जानिबा एही नियम गुड़िक कौन से वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ताहा पूर्वरे वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल रा आइकन को मध्य प्रेस करंतु। प्रथम कथा, भोजन करिबा आगरु पाद हात मुख को भल भाबरे धोइकी भोजन करिबा उचित। भोजन आगरु अर्ण देवता एवं अन्नपूर्णा माता स्तुति बोली ताकु धन्यवाद दे सबु भोकिला प्राणी को भोजन प्राप्त हेउ बोली ईश्वर को प्रार्थना करी भोजन आरंभ करिबा उचित। भोजन बनाउथिबा महिला को स्नान करी शुद्ध मनरे मंत्र जप करी रोसे घरे भोजन तैयारी करिबा उचित। सर्वप्रथमे तीनोटी रुटी गोटे गाई पाई गोटे कुकुर पाई एवं काऊ पाई अलग तैयारी करि सारी अग्निदेव को भोग लगाई सारिबा परे घर लोक को खाइबा को देबा उचित। भोजन घरे बसे समस्त करंतु, चेष्टा करंतु परिवार रो सब सदस्य सहित मिसी बसिक भोजन करिबा पाई। नियम अनुसार अलग अलग भोजन करिबा द्वारा परिवार रो सदस्य भितरे प्रेम एकता रहे नाही। द्वितीय कथा, भोजन समय सकाळ एवं संध्या समय अटे। कारण पाचन क्रियार जटिल अग्नि सूर्यदेवा को उदयर 2 घंटा परे एवं सूर्य अस्त होबार 1/2 घंटा आगर रही थाए। जो व्यक्ति गोटे थर भोजन करे से जोगी एवं जो व्यक्ति 2 थर भोजन करे ताकु भोगी बोली कहा जाए। तृतीय कथा, भोजन करिबार दिग, भोजन पूर्व एवं उत्तर दिग को मुख करी करिबा उचित। दक्षिण दिग को मुख करी भोजन करिबा द्वारा एहा प्रेत को प्राप्त होइथाय। पश्चिम दिगरे करा जाइथिबा भोजन रोग सृष्टि करिथाय। चतुर्थ कथा, एही परि अवस्था रे भोजन करंतु नाही। हाट उपरे बसी अर्थात सजा उपरे बसी किंबा हाथर धरी किंबा भांगी जाइथिबा वासन रे भोजन न करिबा उचित। कलह किंबा दुख जगार मध्य भोजन करिबा अनुचित माना जाए। बरगछ एवं अस्वस्थ गछ मूळरे बसी भोजन करिबा अनुचित। परसा जाइथिबा भोजन रे केबे भी निंदा करंतु नाही। ठिया होई भोजन करिबा भी अनुचित होइथाय। जोता पिंधिके मध्य भोजन करिबा अनुचित अटे। बंधुकण एबे आसंत जानिबा भोजन किपरि हेबा दरकार। बहुत राग किंबा बहुत मीठा भोजन करिबा उचित होइनथाय। काहा द्वारा छड़ा जाइथिबा भोजन भी करिबा उचित नुहे। अधा खाइथिबा फल मीठा खाइबा उचित नुहे। खाद्य छाड़िके उठिबा परे द्वितीय रे भोजन करिबा उचित नुहे। जेकोनसी लोक पार्टी करी खाइबा को देउथिले सेठाकु जाय एबे भी भोजन करंतु नाही। पशु किंबा कुकुर छुईथिबा भोजन को एबे भी ग्रहण करंतु नाही। रजस्वला स्त्री द्वारा परसा जाइथिबा भोजन मध्य करंतु नाही। श्राद्ध घरे बलका रहिथिबा बासी खाद्य भोजन करिबा अनुचित। बाळ पड़िथिबा खाद्य भोजन मध्य करंतु नाही। अनाधार युक्त परसा जाइथिबा भोजन केबे मध्य करंतु नाही। कंजूस द्वारा किंबा बेस्या धंधा करुथिबा व्यक्ति द्वारा भोजन करंतु नाही। षष्ठ कथा, भोजन करिबा समय रे मौन रुहंतु। रात्रि समय रे पेट भरा खांतु नाही। भोजन करिबा समय रे बोलिबा आवश्यक किंतु सकारात्मक कथा कुहंतु। भोजन करिबा समय रे कोनसे प्रकार समस्या विषय रे चर्चा करंतु नाही। भोजन को चोबेई कि खांतु। कम भोजन करितबा लोकंकु आरोग्य आयु बल सुख सुंदर संतान सौंदर्य प्राप्त होइथाय। सप्तम कथा, भोजन परे कौन करिबा अनुचित। भोजन परे तुरंत पानी किंवा चाह पीबा अनुचित। भोजन परे दौड़ीबा बसिबा भाबिबा प्रकार कार्य करंतु नाही। भोजन परे कौन करिबे, दिन रे भोजन करिबा परे चालिबा उचित। रात्रि रे वज्रासन रे बसिबा द्वारा पाचन क्रिया भल होइथाय। भोजन रो 1 घंटा परे मीठा खीर फल खाइबा द्वारा पाचन क्रिया भल भाबरे होइथाय। भीष्म पितामह अर्जुन को देइथिबा महत्वपूर्ण संदेश रे कहा जाइछि कि जेउं थाली को काहर जदि पाद बाजि थाए त सेही थाली को त्याग करिबा उचित। एही परि थाली विशेष समान होइथाय।
भीष्म पितामह कहते कि बाल बाहरी थाली को छाड़ीदे उचित बाल बाहर पर भोजन कले दरिद्रतार सामना करने को पड़ी था भोजन कराली को जदि यह डेक जाए तो छाड़ीदे उचित भीष्म पितामह अर्जुन को कही कि गोटे थाली रे जदि भाई भाई भोजन करती तो ताहा अमृत सामान होपरी भोजन रे धन स्वास्थ्य लक्ष्मी प्राप्ति होताए भीष्म पितामह अनुसार पतिपत्नी को गोटे थाली रे भोजन करने निषिद्ध अटे भीष्म पितामह अनुसार गोटे थाली रे पतिपत्नी भोजन करती तो यहपरी थाली मादक पदार्थ भरी जाए पत्नी को पति भोजन कलापर ही भोजन करवा उचित यहपर घर सुख समृद्धि बढ़ी थाए तेब बंधुगण यह तो थिला भोजन को नहीं किसी महत्वपूर्ण कथा आपन को जदि भिडियोटी भल लगी थाए तले आम कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करूँ। धन्यवाद।